सभी को नमस्कार। मैं प्रतिष्ठा पारायणी कक्षा चतुर्थ की छात्रा हूँ, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हूँ। आज जन कवि बाबा नागार्जुन की जयंती है। इस अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष उनकी कुछ कविताओं का पाठ करने जा रही हूँ। बाबा नागार्जुन प्रतिबद्धता और प्रतिरोध के कवि हैं। उनके यहाँ बारूदी गंध भी है और चंदन वर्णी धूल भी। तो आइए सुनते हैं बाबा की कविताएँ। कविता है उनको प्रणाम, जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तूरीण हुए, उनको प्रणाम। जो छोटी सी नया लेकर उतरे करने को उद्दीपार, मन की मन में ही रही, स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े रह रह नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। एकाकी और अनकिंचन हो जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु प्रतिपद जिनके इतने अदृष्ट के दाव चले, उनको प्रणाम। कृतकृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। थी उग्र साधना पर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ, था जन्म काल में सिंह लगन पर कुसमय ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। दृढ़वत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमन, पर निर्वधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। जिनकी सेवा अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। अगली कविता है मेरी भी आभा है इसमें। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे, यह जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। पकी सुनहली फसलों से जो अब की यह खलिहान भर गया, मेरी रग रग की शोणित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें।